ये 9 महीने बहुत जल्दी निकले, पता नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि अभी सीजन खत्म हुआ हो। कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड ही रहूं। आईपीएल के बाद 1 महीना मैं घर पे था, 1 महीने के बाद मैं इंग्लैंड गया था, लंदन गया था, फैमिली हॉलीडे था, थोड़ा टाइम उधर बिताया। उसके बाद फिर प्रैक्टिस, फिर मुश्ताक अली थी हमारी, उसकी प्रिपरेशन में लग गए, देन मैं इंजर्ड हो गया, इंजर्ड होने के बाद फिर रिहैब चला। तो वैसे भी आशु भाई, विक्की भाई से वैसे भी बातें होती रहती हैं। जैसे ही आप इंजर्ड होते हो, मेरे को लगता है कि 24 घंटे के अंदर आपके पास किसी न किसी का कॉल आ जाता है, जैसे उन्हें पता चलता है कि आप इंजर्ड हो, और उस चीज़ को फिर आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे उस चीज़ को लेके चलना है, रिहैब किस तरीके से होगा, स्कैन्स क्या क्या हुए हैं। मेरे केस में तो इन लोगों ने ही सारी की सारी चीज़ें हैंडल करी हैं, स्क्रैच से लेके अब तक। तो ये थोड़ा सा मिले जुले इमोशंस थे जो मुझे लगता है। और उसके बाद फिर जब फिट हुआ तो फिर सीजन ही आ गया था आईपीएल का। इस साल मुझे लगता है कि मैं आशुपा के बहुत, मतलब काफ़ी बात हुई है आशुपा के साथ मेरी, मेरे खुद की बॉडी को लेके, क्योंकि इंजर्ड हो गया था तो कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है, वही टारगेट लेके चल रहा हूँ कि बस थोड़ा भागने दौड़ने में मजा आए। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी ठीक रहे, फिटनेस में काम कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे, जैसे जैसे मैचेस सामने आते रहेंगे क्या होता है।